सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में वीडियो में हमने ये देखा था कि स्विच केस से रिलेटेड उसके एक्सप्रेशन क्या है और सिंटेक्स क्या है, हमने एक एग्जाम्पल देखा था और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि जब भी हमें स्विच केस से रिलेटेड कोई अगर प्रोग्राम करना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं स्विच केस से रिलेटेड, हमें उन जब भी हम स्विच केस को अप्लाई करें तो हम इन सारे रूल्स का हमें ध्यान रखना है। अगर ये आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो हो सकता है वहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज केस लेबल मस्ट बी यूनिक। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप कोई केस लेबल लिखें तो उसकी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो केस लेबल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर वहाँ दो केस लेबल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। सो फर्स्ट रूल इज व्हाट, केस लेबल मस्ट बी यूनिक। केस लेबल जो है वो यूनिक होना चाहिए, कभी भी वो सेम नहीं होना चाहिए। ऑल द लेबल्स ऑफ स्विच केस मस्ट बी यूनिक। सेकेंड रूल ये कहता है कि केस लेबल मस्ट एंड विद अ कोलोन। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि केस जो लेबल है, मान लीजिए केस है, इसका लेबल क्या है, कोलोन से एंड होना चाहिए। यहाँ पे आपको सेमी कॉलम नहीं लगाना है, कोलोन लगाना है। ठीक है, अगर आपने कोलोन नहीं लगाया तो वहां पे एरर आ जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल ये कहता है कि केस लेबल मस्ट हैव कांस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। लेट्स से देखिए, मैंने यहाँ लिखा केस 2+2। ठीक है, तो ये वैलिड है, इट्स अ वैलिड लेबल क्योंकि ये कांस्टेंट है। केस अ कैरेक्टर, ठीक है, ये भी एक वैलिड कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, और कैरेक्टर कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट दोनों ही अलाउड है, बट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट अलाउड नहीं है। थर्ड इज अगेन अ इंटीजर कांस्टेंट, तो ये भी एक अलाउड है। ठीक है, वैलिड एक लेबल है ये स्विच केस के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो केस है, मैंने लिखा केस ARR। नाउ व्हाट इज ARR, इट्स अ टाइप वेरिएबल। ठीक है, बट वेरिएबल जो है वो केस लेबल में अलाउड नहीं है, सो इट्स नॉट अ वैलिड। नेक्स्ट इज लाइक वी हैव सम वेरिएबल एंड वी आर एडिंग दीज टू वेरिएबल, बट वेरिएबल का एडिशन या वेरिएबल लिखना ही यहाँ केस लेबल में अलाउड नहीं है, तो ये भी एक वैलिड नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि केस लेबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक कॉन्स्टेंट या एक कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन ही होनी चाहिए, कोई एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अगर आपने लिख दिया तो वहां पे एरर आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ रूल इज केस लेबल शुड नॉट बी अ फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं केस लेबल क्या है। लिखा मैंने यहाँ पे 5.7, इट्स अ फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट। सो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इज नॉट अलाउड एज अ केस लेबल इन द स्विच केस। अगेन इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। आपको यूज क्या करना है, सिर्फ कॉन्स्टेंट या एक करेक्टर। कॉन्स्टेंट में भी क्या है, करेक्टर या इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट हो तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्विच केस कैन बी कैन हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड डिफॉल्ट इज टोटली ऑप्शनल, इट कैन बी पुट एनीवेयर इन द स्विच केस स्टेटमेंट। आप डिफॉल्ट जो है वो प्रोग्राम में स्विच केस में कहीं भी लिखें, उससे कोई एरर नहीं आएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा लास्ट में ही लिखें, और डिफॉल्ट प्रोग्राम में हम कहीं भी लिख सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है डिफॉल्ट के लिए वो क्या है कि स्विच केस में एक ही डिफॉल्ट होगा। अगर मल्टीपल आपने डिफॉल्ट अगर लिख दिए तो वहाँ पे एरर आ जाएगी, स्विच केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इट मस्ट वी हैव ओनली एटमोस्ट वन डिफॉल्ट लेबल इन द स्विच केस। नेक्स्ट रूल सेज टू और मोर केसेस मे शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको जब लास्ट स्विच केस से रिलेटेड एग्जाम्पल करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी केस में ब्रेक नहीं लिखा है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस में जंप कर जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स से वी हैव अ एक्सप्रेशन स्विच ए एंड वी राइट द केस स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। हमको ये चेक करना है कि जो यूजर ने, लेट्स से अगर कोई
करेक्टर अगर दिया है तो वो हमें चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है, ठीक है। तो और वो यूज़र कैपिटल में भी देख सकता है और स्मॉल में भी देख सकता है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो केस है, केस ए, उसमें यहाँ हमने कोई भी ना तो स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे ब्रेक लगाया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लिखा है मैंने अपर केस में लिखा, उसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ, इट्स अ वॉवल ए, ऑब्वियस सी बात है, और उसकी मैंने आगे ब्रेक लगा दिया, ओके। देन नेक्स्ट केस बी, अगेन कोलोन, यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा, ना ही ब्रेक लगाया है, यूजर कैपिटल में भी एंटर कर सकता है, तो हमने लिख दिया इट्स अ वॉवल बी और मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया। इस तरह से जो आप पांचों जो वॉवल है ए ई आई ओ यू, उसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। बट देखिए फ्रेंड्स, जो केस स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, ठीक है, इन दोनों ने अपना कॉमन ब्रेक शेयर किया है। अगर लेट्स से यूजर ए की वैल्यू, वेरिएबल ए की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल ए देता है, ठीक है, या फिर लेट्स से उसको स्मॉल ए हम ले लेते हैं, ओके, तो लेबल मैच हो गया। अब यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है तो अपने स्टेटमेंट से ये बाहर नहीं आएगा। देन अगेन ये यहाँ पे गया, प्रिंट एफ, वॉवल ए प्रिंट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अगर मैं किस प्रोग्राम में कुछ वेरिएशन करता हूँ, हम यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगाते हैं, यहाँ से भी मैंने ब्रेक हटा दिया, अब क्या होगा? अगेन हमने इस ए की वैल्यू क्या है, ए ही रखी है, तो देखिए क्या होगा, ए कुछ भी नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट, नेक्स्ट कैपिटल ए में जंप करेगा, वॉवल ए प्रिंट हो जाएगा। अगेन उसको यहाँ पर भी क्या मिला, ब्रेक नहीं मिला, तो अपने नेक्स्ट केस में ही जंप कर गया, ठीक है। ये फ्रेंड्स कब तक जंप करता रहेगा, जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिल जाता, जैसे ही ब्रेक मिलेगा वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा, बट जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा वो अपने नेक्स्ट केस में जंप करता ही रहेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ वॉवल ए भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ वॉवल बी भी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में इसको ब्रेक मिला अब ये बाहर आ जाएगा। वैसे ये प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ब्रेक से, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा वो अपने नेक्स्ट केस में जंप करता ही रहेगा। यहाँ जो मैंने हम रूल लिखा है कि टू और मोर केसेस में शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा अगर केसेस हो तो वो एक ब्रेक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर केस के बाद में आपको ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों केसेस जो हैं वो ब्रेक में ही एग्जीक्यूट हो, एक में ही एग्जीक्यूट हो, तो इसके बाद में आप ब्रेक लगा लीजिए। सो टोटली एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज रिलेशनल ऑपरेटर आर नॉट अलाउड। हमने जो भी रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लाइक वी हैव अ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे जितने भी कंपैरिजन के जो रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं, अगर आपने यहाँ पे लगाए तो वो एरर आ जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी हम केस लेबल में आप नहीं लगा सकते। अगर आपने लिखा है यहाँ पे कोई भी एक नंबर आपने लिख दिया, मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन, केस में आपने अगर आपने लिख दिया तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं, मतलब एक्चुअली कहने का ये मतलब है कि केस में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम रिलेशनल ऑपरेटर से कंपैरिजन ही करते हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, वैल्यू जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो कोई भी केस लेबल में आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने कंपैरिजन किया तो वहां पे एरर आ जाएगी, ओके। एंड लास्ट रूल से इज दैट मैक्रो आइडेंटिफायर्स आर अलाउड। मैंने आपको मैक्रो से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज भी करवाए थे और मैक्रो मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको मैक्रो से कुछ आइडिया नहीं है तो आप लास्ट की वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाए हैं, ओके। सो हैश डिफाइन मैक्रो फाइव, मैंने यहाँ पे लिखा एक, ठीक है, और मैक्रो की मैंने वैल्यू जो डिफाइन किया है मैक्स, उसको मैंने फाइव से इनिशलाइज कर दिया, और केस मैक्स। अब आप कहेंगे कि ये तो मैक्स तो एक वेरिएबल है जैसे आपने यहाँ पे लिखा, बट फ्रेंड्स इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ मैक्रो, और मैक्रो अपनी वैल्यू से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो मैक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फाइव होगी, और फाइव इज अ कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, अ कॉन्स्टेंट नंबर, और व्हाट टाइप, अ इंटीजर टाइप, तो ये अलाउड है, ठीक है। ये कोई एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ मैक्रो वेरिएबल, और मैक्रो वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू से यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे, तो अब ये यहाँ पे अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप चाहें यहाँ पे मैक्रो भी अलाउड कर सकते हैं,
ओके, तो लास्ट रूल कहता है कि मैक्रो आइडेंटिफायर्स अलाउड इन द लेबल्स इन द स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो आपको ये रूल्स जो है बहुत बार एमसीक्यूज में भी आपको देखने को मिलेगा, आपको ये रूल्स ध्यान में रखना है। अगर आपने रूल्स ध्यान में नहीं रखे तो हो सकता है कि आप किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करने से आप रह जाएं। ठीक है, सो व्हाइल राइटिंग द स्विच केस वी हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। ठीक है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इजी आप प्रोग्राम कर सकेंगे स्विच केस से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज द लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हमने पढ़ा था इफ, उसके बाद में पढ़ा था हमने इफ एल्स, देन नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, और लास्ट में पढ़ा था हमने इफ एल्स लैडर। ओके, और ये है स्विच केस से रिलेटेड जो मैंने आपको एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड रूल्स को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।